कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी पता है मैं किचन के बाहर खड़ी थी, मैं बस तैयार हो रही थी, लेकिन पता तैयार होते होते क्या हुआ, मेरा मध्य को मैंने ना सिंदूर लगाया है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों मेरे दिखता नहीं है, बहुत आगे लगाओ तो दिखता है। तो तैयार हुई लेकिन बिंदी है ना वो मैं बाहर लेने जा रही थी, फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ अचानक से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, इयररिंग भी नहीं पहनी है। और आज है ना सच में सुबह से तबीयत सही नहीं थी, अब जाके तैयार हुई हूँ क्योंकि वीडियो में एकदम से भूत जैसी शक्ल, लेकर आपने मुझे दोपहर में देखा था ना मैं कैसे थी, बस ऐसी ही रहती हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। तैयार मैं केवल लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ और सिंदूर और कान के, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। कॉम्पैक उस दिन लगाया था तो भूत जैसी लग रही थी। एक्चुअली वो कॉम्पैक है ना, मेरी स्किन डार्क है, यानी मेरी स्किन ब्राउन कलर में है और वो कॉम्पैक है ना गोरे लोगों के लिए, लेकिन मैंने उसको जब भी लगा लेती हूँ ना तो मैं भूत जैसी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भाई श्याम कलर, मेरा श्याम कलर है और वो गोरे लोगों का, अगर गोरे लोगों की चीज़ हम लगाएंगे तो ऐसे ही लगेंगे, इसीलिए मैं उस दिन ऑकवर्ड लग रही थी। और अभी शाम का टाइम है और है ना देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम दूर सूरज की किरणें हल्की सी पड़ रही हैं। तो बिंदी लगाने आई थी, पता है बिंदी मैंने यहाँ लगा दी थी, अभी हाल निकाली ना मुंह धोकर तो मैंने लगा दी थी। अरे ये तो हरे कलर की है, दूसरी लगाती हूँ। हाँ ये वाली अभी मुंह धोके गई थी तो मैंने यही लगा दी थी। हाँ अब अच्छा लग रहा है, कान की और बनूंगी। तो बारिश हुई पता है, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश हुई, देखिए हल्की सी एकदम तेज बारिश आई, पड़ 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 हुई, उसके बाद चली गई बारिश गई। मैं सोच रही थी कि काफी अच्छी बारिश पड़ेगी, और सुबह से देखिए कपड़े पड़े हैं मशीन में धोने के लिए, लेकिन लाइट आती है जाती है आती है जाती है, प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं धुल रहे हैं। और आज मैं अंधेरे में ही सबको सूट कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी मनी प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ है पानी के अंदर। तो चलिए पहले तो हम पियेंगे। अच्छा मैंने कहा कि अंधेरे में वीडियो शूट कर रही है तो मोलू ने लाइट चालू कर दी, मत करो बेटा इन्वर्टर चल रहा है, लाइट आई नहीं रही है। तो मैं अभी एक कप बनाऊंगी अपने लिए कॉफी, और हाँ मोलू के लिए भुट्टा सेकना है, कब से पता है दोपहर से कह रहा है मम्मी भुट्टा सेक दो ना, भुट्टा ये रहा, भुट्टा खाओगे तो बोला बोला खाओगे छोटा नहीं बैठ के भुट्टा खा ले। तो दिखा अपने मुंह के पास ला कर दिखेगा, ऐसे दिखा दिखा दिखा, मोलू खिला रहा है भुट्टा, आप भी खा लो भुट्टा, अब भुट्टा खा लो। रेसिपी का डिसाइड कर लिया मैंने, आरू को खाना है खमन, तो मैंने कहा चलो मैं खमन और उसकी जो चटनी होती है ना खमन की, गुजराती जो होंगे वो जानते होंगे, तो मैं वो बनाती हूँ। और जय और अन्नू के लिए बना रही मैं आलू की सब्जी, क्योंकि उन लोगों को गुजराती डिश में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे और आरू के, मुझे तो ऑब्वियसली होगा ही बिकॉज मैं गुजरात में इतने साल रही हूँ, यानी जन्म ही मेरा गुजरात में हुआ है, तो फिर मुझे तो गुजराती डिश अच्छी लगेगी ही।
और मुझे तो ना खमन की वो जो चटनी होती है ना बेसन वाली बहुत पसंद है। अने तमे लोगो के जो केवी लागे से तमने चटनी मने तो बहुत ज गमे छे। और आज मैंने गुजराती में इससे थोड़ी सी बात की क्योंकि मेरे काफी जो गुजराती सब्सक्राइबर्स है ना वो कहते हैं दी आप गुजराती में बात किया करो कुछ तो बोला करो। तो चलो हम अपने बनाईशु खमन की रेसिपी अने तुम बताओ कि केवी लागी मारी रेसिपी। अने एम थी पहला आप तमने एक बात बतावी दो कि मेरे एक जो सब्सक्राइबर है वो कह रहे थे दी आपका कुकर ढंग से साफ नहीं हुआ है। तो डियर देखिए ये बिल्कुल ढंग से साफ है लेकिन यहाँ पर जो खारा पानी है ना हमारे वहाँ उसकी परत इतनी बुरी जमी हुई है ना इस पे देखो दिख रही है आपको। और इसको अगर मैं किसी ब्रश से अच्छे से घिसना चाहूंगी ना तो जो इसकी नॉनस्टिक की लेयर है ना एक मिनट बोलू वो निकल जाएगी और नॉनस्टिक लेयर निकल गई तो कुकर पूरा खराब। ये गीला है यहाँ से पानी है और जबकि मैं इसको गर्म पानी में अच्छे से विनेगर वगैरह सब कुछ डाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। यानी अगर नॉनस्टिक के बर्तन को आपको बहुत अच्छा डीप क्लीन करना हो ना तो इसके अंदर पानी गर्म कर लीजिए विनेगर विम लिक्विड जेल और थोड़ा सा जो सोडा होता है ना बेकिंग सोडा वो आप इसमें डाल के इसको 10 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए तो इसका सारा गंदगी जो होती है ना चिकनापन वो निकल जाता है बट ये खारे पानी के जो दाग है ना वो नहीं निकल रहे। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और काफी लोग पूछ रहे थे दी आपका ये कुकर कौन सी कंपनी का है तो ये हॉकिंस का है और अब इसमें कुछ लिखा नहीं है बस यहाँ लिखा है देखो हॉकिंस का कुकर है ये और 2 लीटर का कुकर है और इसकी प्राइस है ना आई थिंक 2200 रुपए का मैं लेकर आई थी। इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये कम से कम 2 साल हो चली 2 साल से अच्छा चल रहा है कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो चलिए पहले जय और अन्नू के लिए मैं बना लेती हूँ आलू की सब्जी और रोटी उसके बाद मेरे लिए आलू के लिए बनेगा खमन एंड नायलॉन खमन जो होता है ना वो। तो चलिए फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी जय के लिए और क्योंकि उन लोगों को खमन नहीं खाना था और वो लोग तो वैसे भी है ना गुजराती डिश को कम पसंद करते हैं। जय तो फिर भी खा लेते हैं अन्नू तो बिल्कुल भी नहीं खाता उसने तो थोड़ा सा टेस्ट किया और खाया ही नहीं। तो आलू टमाटर की रेसिपी है ना वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको मैं क्या शेयर करूँ और रोज़ रोज़ करती हूँ समझो। और यहाँ ना बेसन वो खमन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप बेसन बिल्कुल आपको उसको दबाना नहीं है जिस तरह से मैंने डाला उसी तरह से हल्के हाथों से डालना है और एक्स्ट्रा वाला है उसको निकाल देना है। और बिल्कुल फिक्स मैंने 2 कप बेसन लिया है यहाँ पे क्योंकि खमन अगर बना रहे हो तो मेजरमेंट अगर आप अच्छा करोगे तो आपका खमन कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और जब तक खमन में बैटर बनाऊंगी तब तक यहाँ पर मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है और जिस प्लेट में हमको खमन बनाना है उसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे और फ्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि हम अपना बैटर बनाएंगे तब तक हमारी जो प्लेट है ना वो फ्री हीट हो जाएगी। और कभी भी ठंडी वाली ठंडी प्लेट के अंदर आपको बैटर नहीं डालना नहीं तो बैटर चिपकने के चांस हो जाते हैं। तो आपको ना पहले प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करके और फ्री हीट कर देना है। बस जब तक आप बैटर बनाओगे तब तक आपकी प्लेट है ना ये भी अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो चलिए इसको अभी हम ढक देते हैं और तैयारी करते हैं अपने बैटर की जिस तरह से हमें बैटर बनाना है। तो यहाँ मैंने 2 कप ही मैंने फिक्स यहाँ पे बेसन लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे एक छोटी वाली जो चम्मच होती है जो हमारे डब्बों के साथ आती है वो हमने डाली है यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीबन चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना होता है 1/4 चम्मच ही डालनी है। और यहाँ पे 1 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे ली है टाटरी यानी नींबू के फूल 1 चम्मच से कम लेने हैं। बहुत ज़्यादा लोगे तो खट्टा खट्टा हो जाएगा टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। और स्वाद अनुसार आपको डालना है नमक ये मानिए 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा 1/4 चम्मच मान लीजिए नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इस मिक्सचर को मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीबन ही पानी डाला है 1 कप से ज़्यादा पानी नहीं डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालती जा रही थी और इसको अच्छे से विस्क करती जा रही थी क्योंकि है ना ये जो बैटर है ना इसमें गांठे नहीं पड़नी चाहिए। तो 1 कप पूरा पानी इसमें जा चुका है और 2 कप पानी लेकर आई थी उसमें से आप देखना थोड़ा सा पानी बच गया है ये मान लीजिए कि 1/4 कप जितना पानी आपको उसमें लग जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर किस तरह से बन गया है और मैं थोड़ा थोड़ा पानी देखती जा रही थी मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी बस उतना मैं करती जा रही थी और पानी डालती जा रही थी। और एक एक घूंट आपको पानी डालना है एक साथ पानी डाल दोगे ना तो बैटर पूरा ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और विस्क करते जाइए इसे अच्छी तरह से और आपका बैटर एक स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए इतना पानी है ना 2 कप में से बच गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट ईनो और आपको ये ग्रीन वाली ही ईनो लेनी है कोई भी फ्लेवर वाली नहीं लेनी है।
और अगर आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। और इनो डाल के आपको 2 चम्मच पानी डालना है और एक ही दिशा में इस बैटर को तब तक मिलाना है जब तक कि इनो और आपका जो बेसन है ना वो इक्वल ना हो जाए, यानी एक ही क्वांटिटी में ना आ जाए, एक ही कलर में ना आ जाए। क्योंकि जब हम इनो डालते हैं ना तो बेसन का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है लेकिन वो बहुत ही अच्छा फ्लफी हो जाता है। तो बस आपको इस बैटर को अच्छे से फ्लफी बना लेना है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना, बस दोनों चीज़ें मिल जाएं उतनी देर तक ही चलाना है। और यहाँ पर मेरी जो प्लेट है ना वो भी अच्छे से अब हीट पकड़ चुकी है, यानी फ्री हीट हो चुकी है। तो जो बैटर बनाया था उसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी काफ़ी अच्छे से। और जब मैं बैटर डाल रही थी मेरी प्लेट टेढ़ी हो गई थी तो उसको मैंने सही किया और कुकर को बंद कर दिया। और जब तक यहाँ पर खमन बन रहा है तब तक हम करेंगे चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर चटनी के लिए मैंने लिए 3 चम्मच बेसन, जो चम्मच मेरे हाथ में है ना बस वही चम्मच मैंने 3 चम्मच बेसन लिए हैं। अगर आप एक इंसान के लिए बना रहे हो ना तो 1.5 चम्मच बहुत है, मेरी चटनी ज़्यादा बन गई थी इसलिए बता रही हूँ। 1.5 या 2 चम्मच तो बहुत है, इससे ज़्यादा ना लें अगर 1 या 2 इंसान के लिए बना रहे हैं तो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ी सी कम, यानी 0.25 चम्मच मान लीजिए, हम यहाँ पे डालेंगे टाटरी। टाटरी यानी नींबू के फूल, जो हमारे गुजराती हैं वो तो जानते होंगे कि नींबू के फूल क्या होते हैं। तो ये हमको डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालते जाएंगे। इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको गांठे ना पड़े बेसन में। और इस बैटर के अंदर आप चाहें तो 1 कप पानी या 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे पकने रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस यहाँ पे बेसन डाल दिया मैंने और उसके बाद है ना यानी पानी डाल दिया बेसन में और अच्छे से मिला लिया। पतला सा एक घोल मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और ये घोल मेरा बनके रेडी हो गया। और साथ में अब हम तैयारी करेंगे इसको कढ़ी को बनाने की। तो मैंने तेल लिया है, तेल में मैंने थोड़े सी राई दाने डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने होते हैं। और थोड़े से मैंने डाले हैं खड़े धनिया, यानी जो साबुत धनिया होते हैं वो, और हरी मिर्च। मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने, कढ़ी के अंदर ही कड़ी पत्ते नहीं डाले मैंने। और उसके बाद है ना जैसे ही मैंने बैटर डाला ना, आप देख रहे हैं मेरा बैटर कितना गाढ़ा हो गया था। तो मैंने फटाफट से 1 गिलास के करीबन पानी लिया और विस्कर की हेल्प से दोनों पानी डालती गई और फटाफट कढ़ी को चलाती गई, नहीं तो गांठे पड़ जाती और पूरी कढ़ी मेरी ख़राब हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और फटाफट से पानी डालें और विस्कर की हेल्प से इसको चलाते रहें। और जब तक चलाएं तब तक कि एक भी गांठे ना पड़े और एकदम स्मूथ सी आपकी कढ़ी ना बन जाए, बस तब तक आपको इसको चलाना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार डाल दूँगी, अभी नहीं, अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चुटकी के करीबन हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालनी होती है, हल्का सा एक पीला कलर आना चाहिए। और उसके बाद मैं स्वाद अनुसार यहाँ पे डाल दूँगी नमक और उसको अच्छे से चलाते ही रहूँगी, क्योंकि कढ़ी है ना ये चिपकती है बहुत ज़्यादा आपकी कढ़ाई में, तो इसको चलाते रहना है। और स्वाद अनुसार मैंने डाल दी है यहाँ पे चीनी, जितना आपको मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप चीनी डालिए। मैंने 1/2 चम्मच के करीबन डाली थी। और तब तक मैं खमन को चेक कर रही हूँ, तो खमन अभी कच्चा है, आपने देखा मेरा नाइफ एकदम बिगड़ के आया है। तो इसको मैं फिर से ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं ओपन करके देखूंगी। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बनके रेडी हो चुकी है, बस इसको थोड़ा पतला ही छोड़ना है क्योंकि रखने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो जब थोड़ी पतली हो ना तभी आपको गैस बंद कर देनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खमन भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, चम्मच मेरी बिल्कुल साफ़ आई है। तो गैस को बंद कर देते हैं और खमन की प्लेट को हम निकाल लेंगे कुकर से बाहर और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम खमन को आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्लेट में से भी अगर निकालोगे तो वो टूट जाएगा। तो मैंने बस गरम गरम खमन में ना कट लगा दिए थे और एक हाथ से कट लगा रही थी ना तो वो अच्छे से लग नहीं रहे थे। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि खमन कितना स्पंजी बना है, आपको फील हो रहा होगा। तो चलिए खमन के तड़के की तैयारी कर लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ मैंने तेल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसमें डाले हैं मैंने राई दाने, कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, ये डालकर आपको इसमें 1 गिलास के 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था और इसको अच्छे से चला लेना है। जब आपकी मिर्ची पक जाए ना उसके बाद पानी डालना है, पहले नहीं डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है 1 चम्मच के करीबन चीनी और चीनी डाल के आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला था। और ये जब पीले कलर में आ जाए ना चाशनी तब आपको गैस बंद कर देनी है और ठंडा होने के लिए दोनों चीज़ों को छोड़ देना है। और जब तक मैंने वो चीज़ें ठंडी होंगी ना मेरा ढोकला यानी खमन और चाशनी, तब तक यहाँ पे मैं रोटी सब्जी बना रही हूँ। सब्जी तो बन चुकी है, रोटियाँ बना रही हूँ ताकि जय और अन्नू खा लें, क्योंकि अन्नू को खमन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने तो 1 चम्मच ही खाया था। और जब तक मैंने रोटियां वगैरह बनाई,
कमन और चाशनी दोनों ठंडी हो चुकी थी। तो चलिए अब कमन में लगाते हैं तड़का और देखिए तड़के में किस तरह से लगा रही हूँ। आपको चम्मच की हेल्प से ना पूरे कमन में अच्छी तरह से तड़के को डालना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारा कमन अंदर से सूखा सूखा सा रह जाता है, चाशनी अच्छी तरह से जा नहीं पाती है। तो कम से कम 2 कप का अगर आप बेसन का कमन बना रहे हो ना, तो उसमें 1-1.5 गिलास करीबन चाशनी बनाइए, तो आपका कमन बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर मेरा कमन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका, गार्निशिंग भी हो चुकी। अब आप बताइए कि मेरा खमन कैसा बना है, क्योंकि जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना गाइस, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा खाने में था। बिल्कुल अहमदाबादी खमन की जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट आया था। ऐसा लग रहा था जैसे अहमदाबाद के किसी मैंने ना हलवाई की दुकान पे से खरीद के मैं खा रही हूँ। बिल्कुल वही स्वाद था जो मैं बचपन से खाती आ रही थी। मैं सच में इस कमन को खा के ना अपने मायके ही पहुंच गई थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे अपने मायके का कमन खा रही हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी जालीदार बना है और परत भी कितनी आसानी से निकल रही है। तो चलिए फटाफट से पहले हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आपने कमन तो देख ही लिया कैसा बना है, तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए प्लेट लगा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले इन्वाइट करना होता है, क्योंकि आप मेरी वो ख़ास फैमिली हो जो कि मेरी फैमिली होकर भी मेरी फैमिली, यानी फैमिली नहीं होकर भी मेरी इतनी प्यारी फैमिली है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। कहते हैं अच्छा नहीं बना, और इधर देखो तो चटनी तुमको नहीं पसंद आई। तो पता है तो यानी रोकला नहीं, सॉरी खमन है ना, बहुत ही अच्छे बने थे ना जे। बिल्कुल अहमदाबाद जैसे, मुंह से कुछ बोल दिया करो ना, अच्छे बने। बोलने में पैसे खर्च हो जाते हैं तुम्हारे, क्या करते हो। आज है ना पता है खमन खा के होता है कैसा लग रहा था, खमन और उसके साथ में चटनी, कसम से मजा आ गया। और ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं ना मायके पहुंच गई हूँ। आज बिल्कुल अच्छी वाली मायके वाली याद आ गई, क्योंकि खमन की जो रेसिपी है ना, यानी जो खमन है ना, मेरी फेवरेट डिश है गुजराती डिश में से, इतनी पसंद है ना। जब भी जाती हूँ ना तो पापा से बोलती हूँ कि वो ना खमन ले आना दुकान से, मैं खाऊंगी। और ये चटनी मैं हर बार मिस करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं चटनी को। इतनी अच्छी बनी ना, और आपको भी मैं दिखाऊंगी किचन में जाके, पूरी प्लेट मैंने खा ली। आप लोग सोचोगे इतना सारा खमन मैंने अकेले ने खा लिया, तो सच में मैंने खा लिया। 2 पीस आरू ने खाए, 2 पीस इनने खाए, बाकी सारा मैंने खा लिया, क्योंकि फेवरेट चीज तो फेवरेट होती है। तो आज वाकई मैं मायके पहुंच गई ये खा के, यानी खमन खा के, बहुत अच्छा बना था सच में। आप लोग भी चटनी के साथ एक बार खमन खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा ना। जी चटनी अच्छी बनी थी ना, मस्त थी ना, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना। आप भी है ना, अगर गुजरात से बाहर हो ना, तो आप भी अपने गुजरात शहर पहुंच जाओगे। और जो भी मेरे गुजराती फ्रेंड्स है ना, यानी मेरे सब्सक्राइबर्स है ना गुजराती, वो लोग बताना बिल्कुल सही थी ना, क्योंकि वही टेस्ट था जो हमारे वहाँ की हलवाई की दुकानों में मिलता था ना, सेम वही टेस्ट था। और पता है खाना तो बनाया मैंने इतना अच्छा अच्छा खूब सारा, इन लोगों के लिए तो बनाई मैंने आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि भैया यूपी वाले हैं, ये लोग भरपेट तो गुजराती खाना खाते नहीं है। खाया ना, क्या खाया तुमने? आलू टमाटर इनकी फेवरेट। आप लोग बोलते हैं ना आपके घर में आलू बहुत बनते हैं, इनकी फेवरेट है, इनको आलू इतने पसंद है ना, तभी तो देखो आलू जैसे होते बहुत आलू पसंद है ये तो। शादी के बाद मैंने इनका आलू खाना छुड़वा दिया है, वरना पहले ना जैसे भी हो अच्छे हो, क्यों हाथ ऐसे करते रहते हो, ये ऐसे कर लेते हैं, जैसे हैं वैसे हैं तो है ना, बहुत आलू खाते थे। फिर शादी के बाद मैंने इनके आलू छुड़वाए हैं, वरना बोलते थे सुबह आलू बना लो, शाम को सूखे आलू बना लो, दूसरे दिन आलू कुछ और बना लेना, यानी आलू 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 आलू। लेकिन फाइनली अब तो सब चीजें खाते हैं, हरी सब्जी दाल वाल जो भी होता है ना सब खाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और जाके अपने ससुराल वाला काम कर लेते हैं। अब वापस ससुराल में आ जाते हैं, ढेर सारे बर्तन हो रहे हैं सिंक में इतने कि धोते धोते 1 घंटा लग जाएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी, बस आपको आरू मोलू से मिलवाऊंगी। देखिए क्या बेल्ट लटका के घूम रहा है, प्रसाद गणेश भगवान जी का प्रसाद है। तूने दीदी को रुलाया है, तो छोटा है कि तू खोटा है, तू है छोटा होकर दीदी को रुलाता रहता है। अच्छा चल बाय बोल दे, चल गुड नाइट बोल दे, कल मिलेंगे, लाइक कर देना, घंटी बजा देना, बाय बाय। अरे मम्मी बर्तन मारने जा रही है, मम्मी मुझे मारने जा रही है।
बर्तन मांजने डाली है। चलो मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने सारे बर्तन है। पता है अच्छा अच्छा खाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरी जो सिंक है ना किस कदर भरी हुई है। और वैसे तो मैंने ये सब तो साफ कर दिया, हल्का सा गंदा रह गया वो साफ करना। ये सबसे बड़ा टारगेट है जो कि मैं भी पूरा कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी या फिर वीडियो को एंड कर दूंगी।